आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, तो प्रश्न है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज यानी कि चीनी एक डाइसैकेराइड है, यानी कि इसमें दो श्रृंखला आपस में एक बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो सुक्रोज का एक मोल जल अपघटन पर देता है, तो हमें बताना है कि जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो यह क्या देता है। तो पहला विकल्प है ग्लूकोज के 2 मोल, दूसरा विकल्प है ग्लूकोज के 2 मोल और फ्रक्टोज का 1 मोल, तीसरा विकल्प है ग्लूकोज का 1 मोल और फ्रक्टोज का 1 मोल, और चौथा विकल्प है फ्रक्टोज के 2 मोल। तो सही उत्तर जानने के लिए हम सुक्रोज के जल अपघटन की क्रिया यहाँ नीचे देख लेते हैं, तो वह मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये रही हमारी सुक्रोज के 1 मोल के जल अपघटन की क्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड है, क्योंकि इसमें 2 श्रृंखला मौजूद है और ये पूरा सुक्रोज का 1 मोल है, ये पूरा सुक्रोज का 1 मोल है। तो इस 1 मोल का जब जल अपघटन होता है तो हमें जो है ग्लूकोज के 1 मोल और फ्रक्टोज के 1 मोल की प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वे मोनोसैकेराइड हैं, क्योंकि इनमें एक एक श्रृंखला मौजूद होती है। तो हमें जब सुक्रोज का 1 मोल का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज का 1 मोल और फ्रक्टोज का 1 मोल प्राप्त होता है। तो ये जो है हमारा तीसरे विकल्प से मेल खाता है, यानी कि तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा, यानी कि सुक्रोज का 1 मोल जल अपघटन ग्लूकोज का 1 मोल और फ्रक्टोज का 1 मोल देता है। तो ये तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।